जमाना भले ही चांद और मंगल ग्रह पर जाने की बात करे, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है। आज भी लोग इलाज से ज्यादा तंत्र मंत्र और अंधविश्वास पर भरोसा करते हैं। ताज़ा मामला सीहोर के गांव लसूडिया परिवार का है, जहां आज भी सांप काटने के बाद लोग डॉक्टर के पास नहीं बल्कि इलाज के लिए मंदिर में जाते हैं। अब आप इनके इस विश्वास को आस्था कहें या अंधविश्वास, इसे इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। इस गांव में सालों से नागों की अदालत लगती है, जहां पेशी पर नाग स्वयं मानव शरीर में आकर डसने का कारण बताते हैं। आप खुद ही सुनिए इस महिला को। किसने मार दिया? पत्नी ने मारा, मेरी पत्नी को मारा। पत्नी को मारा था, तुम्हारा जोड़ा था अगले जन्म में। फिर क्या बना? वो तो शांति मिला रही थी, वो उसको मैं देखने वाला था, तो गलती से मुझको हाथ लग गई, इसलिए मैंने छुड़ा करा, नहीं तो मैं छोड़ दिया। वो तो गलती हो गई, अब ये भाई को छोड़ो, अब ये परेशान को जोड़ा तुमने खराब कर दिए। अगर आप ये जोड़ा तो खराब मत करो, तुम जाओ काम पे, रहो वहाँ पे जो लेना है, नारियल अगरबत्ती अगरबत्ता चढ़ेगा, पूजा भोग लगाना, क्षमता नहीं है कैसे बनाएगा। क्या बोला यहाँ पे पेशी में? कोटला बंद बनाया, मम्मी को सांप ने काट खाया था। तो किस लिए काटा था सांप ने, ये बताया ना? पिछले जन्म का बंधन था। पिछले जन्म में क्या मतलब पति पत्नी थे वो, इसलिए आप ओटला बनाने का बोला? हाँ। छोड़ देंगे। अब इस शख्स की सुनिए, इनका कहना है कि इनकी पत्नी को सांप ने काट लिया है, लेकिन इस मंदिर में आने के बाद अब उनकी पत्नी पूरी तरह से ठीक हो चुकी है। लसूडिया परिहार के राम मंदिर में दिवाली के दूसरे दिन सांपों की अदालत लगाई गई। इस अदालत में वो लोग आते हैं जिन्हें पिछले एक सालों में सांप काटा था। इस बार यहां सांप के काटे करीब 5 दर्जन लोग पहुंचे थे। यहां लोग ये जानने पहुंचे थे कि आखिर उन्हें सांप ने क्यों काटा था। लोगों का कहना है कि इस दौरान पेशी पर पहुंचे सांपों ने शरीर में आकर काटने का कारण बताया गया। कारण जानने के साथ ही दोबारा ऐसी घटना ना हो, जिसके लिए सांपों से वचन भी लिया जाता है। गांव के नंदगिरी महाराज की माने तो ये कोई अंधविश्वास नहीं है, यहाँ मंत्रों के जरिए सांप के मंत्रों को उतारा जाता है। ये पूर्णतः सत्यता है, यहाँ पे पुराने जमाने में भगवान शंकर के डमरू से निकले हुए जो मंत्र थे, इन्हें उन मंत्रों के द्वारा यहाँ पे जो गांव के लोग हैं, जानकार लोग जैसे नन्नू महाराज हैं, छोटे मुन्ना लाल यादव हैं, प्लस और भी सभी गांव के हैं, जगन्नाथ यादव हैं, ये सभी इन मंत्रों को बहुत अच्छे से साधना करते हैं नर्मदा जी में जाके। उसके उपरांत उन साधित मंत्रों के द्वारा यहाँ पे बड़े सुंदर तरीके से हनुमान जी महाराज के सामने बड़े अच्छे तरीके से उन भरणी नाम के मंत्रों को बोल करके सांप के मंत्र को उतार। दूसरी बात, इसमें अंधविश्वास की लोग बात करें तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे रामचरितमानस में बालकांड में लिखा है कि ये जो भगवान शंकर के श्रीमुख से निकले हुए जो मंत्र है वो पूर्ण भरणी नाम के मंत्र हैं, प्लस इनसे आज भी सांप का जहर उतर जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं। बोलिए, कितने अभी यहाँ पर जैसे लोग आए उनके सर पर उतर गए? ऐसे हजारों लोग हैं, आप देख रहे हैं भीड़ भाड़ सब उन्हीं की है, मतलब जुलाई से लगा करके आपके दीपावली तक प्रतिदिन 10-20-50 लोग आते हैं, सब ठीक होके जाते हैं लगभग।